फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएनएल एडमिट कार्ड 2019 डिटेल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप अपडेटेड रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, बीपीएनएल ने अभी कुछ समय पहले ही अपनी वैकेंसीज रिलीज की थी। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक अनाउंसमेंट किया था 2959 मार्केटिंग असिस्टेंट और मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसीज के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग डेट की, तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 8th ऑफ नवंबर 2019 और अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की तो वह थी 15 नवंबर 2019। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑनलाइन आवेदन थे वो खत्म हो चुके हैं। जिन जिन कैंडिडेट्स ने इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करे थे उन सभी को जानना है कि इसके रिटर्न एग्जामिनेशन कब होंगे और एडमिट कार्ड कब रिलीज किए जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट को लेकर के, बट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इसकी एग्जामिनेशन डेट है वो आपको दिसंबर के लास्ट तक मिल जाएगी, यानी कि आपके एग्जामिनेशन जो है जनवरी या फरवरी के महीने के अंदर हो सकते हैं, कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। और हम बात करें इसके एडमिट कार्ड की, तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात कही गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस दिन डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल लिंक ये जारी किया गया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर एडमिट कार्ड लेकर के अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसे संभाल के रखें, अन्यथा आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में एबल नहीं हो पाएंगे, आप वहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। आप फ्रेंड्स जानना चाहते हैं एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल होगी, तो मैं बता देती हूँ। एडमिट कार्ड के अंदर कैंडिडेट्स नेम, उनका एड्रेस, एग्जाम सेंटर का कोड, सब्जेक्ट, शिफ्ट वगैरह आपको आधी जानकारियाँ मिल जाएगी। और साथ ही हम बात करते हैं, कुछ कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड किया जाए, तो मैं बता देती हूँ इसके बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज अ लिंक में दे दूंगी। साथ ही मैं फ्रेंड्स आपको अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।